सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी, काफी खबरें हैं सिमरन जो सुर्खियों में हैं आज। और सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खबर से कर लेते हैं। मोहन यादव अभी 11 बजे उज्जैन से भोपाल पहुंचे हैं और अपने निवास पर वो मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ और जो कार्यकर्ता संगठन के बड़े नेता हैं उनके साथ एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक फीडबैक लिया जाएगा विधानसभा लोकसभा सीटों का कि वहां क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं आम जनता की और उनको किस तरह से आगे जाकर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो आने वाले समय में जो योजनाएं सरकार की बनने वाली है उसमें ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसको लेकर ये कवायद की जा रही है। और निश्चित तौर पर सरकार अब अपने नए रोड मैप पर काम करेगी तो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ चढ़कर उसमें कहीं ना कहीं दिखाना और उस स्थानीय स्तर पर तमाम जो समस्याएं मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा सॉल्व करना ये सरकार का मकसद होगा। और नई योजनाओं का इम्प्लीमेंट पुरानी योजनाओं के साथ करना भी एक बड़ा टास्क होगा जिसके चलते एक बड़ी बैठक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वहां नए छात्रावास का लोकार्पण करेंगे और शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जो सदस्यता लेंगे उसके उसके साथ उनके साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन भर का जो कार्यक्रम है डॉक्टर मोहन यादव का इस तरह का है। अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो वो है बीजेपी संगठन के जो खास तौर से संगठन पर्व मनाने जा रही है आज से जिसकी शुरुआत हो रही है और 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी प्राथमिक सदस्यता बीजेपी की लेंगे। उसके बाद ये बड़ा अभियान चलेगा पूरे देश भर में। पूरे देश भर में मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का लक्ष्य तय किया है। उसके अलावा मध्यप्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्यप्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का जो है और लक्ष्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और देश की भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय कार्यकारिणी उसने किया है। निश्चित तौर पर पिछले बार 94 लाख सदस्य बनाए थे भाजपा ने बीजेपी ने, जो अब जाकर 1.5 करोड़ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टॉप टू बॉटम तक तमाम कार्यकर्ता, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो लग गए हैं और जुट जाएंगे। 2 महीने ये अभियान चलेगा, बड़ा टारगेट अचीव करने का ये अभियान है। उसके अलावा मैं अगली खबर की ओर अगर आपको ले चलूं तो वो कांग्रेस से है। कांग्रेस अभी अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों को हटाने के बाद नई कार्यकारिणी, नए संगठनात्मक ढांचे का गठन नहीं कर पाई है और निश्चित तौर पर एक नए लबोलवाब के साथ कहें नए इंफ्रा कहें नए संगठन के साथ आगे बढ़ना कांग्रेस का बड़ा टास्क होगा। उसमें तमाम जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण और अपने बड़े नेताओं के साथ जो उनका आला कमान है उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भी मन की बात को उसमें रखना होगा, उसको भी कहीं ना कहीं तरजीह देनी होगी। लेकिन अभी ये डिले होती दिख रही है उनकी जो नियुक्तियां हैं संगठनात्मक जिसकी हम बात करें। और जहां तक इनपुट की जो खबर है, इनपुट हमारे पास है कि जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके बाद ये नियुक्तियां की जाएगी ताकि कोई असंतोष ना सामने उभर कर आए संगठनात्मक नियुक्तियों में। बड़े नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि कई मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं जो अपने लोगों को उसमें जगह दिलाना चाहेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। अब मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर है कि सोयाबीन की जो उपज है उस मध्य प्रदेश अब नंबर 1 पर हो गया है, यानी कि 40% से ऊपर सोयाबीन की उपज हो गई है। महाराष्ट्र था पहले आगे, उसको पछाड़ कर मध्य प्रदेश आगे आ गया है। तो निश्चित ही एक बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश का ये है अब, और आगे बढ़कर और कृषि में नए आयाम मध्य प्रदेश गढ़ रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है इस मामले को लेकर। जी जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।